आइए दोस्तों, आज आपको हम फिर से एक वीडियो देने वाले हैं, जो कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आइए तो पॉइंट पे बात करते हैं, पॉइंट वाली बात करते हैं। अभी मार्केट में किस चीज़ के बारे में और किस चीज़ को लेकर के इतनी सारी फैकल्टी बढ़ रही है और आदमी इधर से उधर हो रहे हैं, रिटेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या पार्टनर हो या सुपर हो, इधर से उधर हो रहे हैं। अभी आपको इसके बारे में हम पूरे डिटेल देने वाले हैं। आइए देखते हैं फिर आज RNFI की ही ID को लेकर के आपको कुछ बताने वाले हैं। अभी देखिए, कहीं भी YouTube पे आपको कमीशन के बारे में, कमीशन आपको अगर पुराने हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हमको कमीशन कम मिल रहा है। कमीशन किसी को भी कम नहीं मिल रहा है, और जो है, जो आप डायरेक्ट अगर डिस्ट्रीब्यूटर से ID लिए हुए हैं तो फिर आपको ये कमीशन ठीक ही है, कम नहीं है। अगर आप उसी ID को डायरेक्ट अगर पार्टनर से परचेस करते या सुपर से करते तो आपको उसमें कमीशन में कुछ बढ़ोतरी रहती। और ID कॉस्ट की नॉर्मली प्राइस है अभी 999 रुपया, और इसकी फैसिलिटी भी जो है वही है। अभी कुछ फैसिलिटी इसमें बढ़ी नहीं है। अभी आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे हम अपने रिटेलर को ID को लॉगिन करके रखे हैं। यहाँ पे DMT, एयर रिचार्ज, BBPS, AEPS, MPOS, जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, AEPS, DMT वो करवाना पड़ता है किसी को ऑन, और वो किसी का किया हुआ है अभी तो ऑर्डर माटा ये वही हुआ। MPOS आप ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से। पेन कार्ड की परचेस करवानी होती है यहाँ पे। यहाँ देखिए साइट से आपको क्या क्या परचेस करवानी होती है। आप अगर किसी से भी अभी RNFI की ID परचेस करवा रहे हैं तो आप एक बार उससे ज़रूर इंक्वायरी ले लें। इसमें जो भी सारी फैसिलिटी है, पेन कार्ड, BBPS भी आपको एक्टिवेट ही करवानी पड़ेगी, परचेस करवानी पड़ेगी। आइए देखते हैं BBPS की रेट अभी क्या है। यहाँ देखते हैं BBPS की एक्टिवेशन प्राइस क्या है। डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको, जमा करना पड़ेगा 500 रुपया, और उसमें जोड़ दिया जाएगा GST भी आपको, तभी आपका जो है ये BBPS एक्टिवेट होगा। और आपको अगर ये बैलेंस रिफंड लेना है तो 50 लाख रुपया 60 दिन में आपको BBPS में कोई भी कस्टमर का हो उसको पे, जो भी हो, पे करना होगा। उसके बाद आपका 500 प्लस GST आपके खाते में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अभी आपने BBPS का प्राइस देख ही लिया। आइए अब देखते हैं पैन कार्ड का प्राइस। पैन कार्ड का जो प्राइस है, देखिए, जमा करना होगा 1000 रुपया प्लस GST आपके खाते से डेबिट कर दिया जाएगा नगदी प्रबंध सेवा के लिए। 60 दिन में अगर आप 300 पैन कार्ड संबंधित होने पर जमा राशि वापस कर दी जाएगी। अगर आप 60 दिन में, मतलब 2 महीने में 300 पैन कार्ड इस ID से बनवाते हैं या बनाते हैं तो आपका जो है 1000 रुपया प्लस GST आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे, चलिए ऑर्डर मातम कार्ड का जो है, मिनी ATM का जो है प्राइस देख लेते हैं। अब मिनी ATM जो देख रहे हैं यही मिनी ATM है, और प्राइस है इसका, इंक्लूड है GST, 6500 रुपया। अगर आप रिटेलर हैं, डायरेक्ट इसे परचेस करना चाहते हैं तो आपको 6500 रुपया लगेगा, और इसमें आपको एड्रेस फिल करना होगा, सिटी, स्टेट, पिन कोड। और इसमें रिफंडेबल नहीं है, ना इसका मंथली है। इसमें जो है फीचर्स देख सकते हैं, इसका फैसिलिटी देख सकते हैं आप क्या क्या है। जो है आप किसी का बैलेंस निकाल सकते हैं, किसी का बैलेंस चेक कर सकते हैं, और वो ट्रांजेक्शन भी आप चेक कर सकते हैं जिसका निकाले हैं उसका भी चेक कर सकते हैं। इंस्टेंट सेटलमेंट इन बैंक अकाउंट, आप इसका जो है सेटलमेंट जो करता है, यहाँ पे आप जो बैलेंस रखे रहते हैं उसका जो सेटलमेंट कीजिएगा तो आपको तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगा ये बैलेंस। और कमीशन स्ट्रक्चर जो है इसका हाईएस्ट रहेगा,
कमीशन आपको इसका हाईएस्ट मिलेगा 3001 रुपया से 3510 रुपया तक का ट्रांजेक्शन है इसका मिलेगा आपको। और यहाँ लेज़र जो देख रहे हैं कंपलसरी, कोई बहुत सारा रिटेलर को इशू आता है लेज़र चेक करने में। यहाँ से आप लेज़र से मेन लेज़र देख सकते हैं, AEPS लेज़र देख सकते हैं, DMT ट्रांजेक्शन देख सकते हैं और रिचार्ज ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। रेलवे ट्रांजेक्शन जो है आप रेलवे ID आपको IRCT वो भी एक्टिवेट करवाना होता है, साइट से परचेस करवाना होता है, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड है आपको क्या प्राइस में देता है। और जो कुछ है इसमें दिखाना चाहता हूँ आपको, और इसका कमीशन जो है, कमीशन स्ट्रक्चर आपको हम दिखाते हैं, जैसे अभी को बता ही देते हैं इसका कमीशन स्ट्रक्चर। अगर आप कमीशन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर लिए हुए हैं तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड है आपको क्या कमीशन दे रहा है, और आप पे डिपेंड है आप क्या क्या उससे मतलब बातचीत करके क्या कमीशन के बारे में और क्या बताया था तो आप लिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, आप अपने दुकान में लगा सकते हैं इस सर्टिफिकेट को। और यहाँ पे अगर एड फंड, अगर कोई मनी ट्रांसफ़र करता है तो उसको कंपनी का डिटेल चाहिए, अकाउंट डिटेल, तो अकाउंट डिटेल यहाँ से देख सकते हैं आप, अकाउंट डिटेल देख सकते हैं। यहाँ एक्सिस बैंक का है, बैंक ऑफ इंडिया का है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ICICI बैंक का है, इंडियन बैंक का है, ओरिएंटल, PNB, बहुत सारा बैंक है, ज़्यादातर यस बैंक है इसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है। अगर आपको किसी प्रकार की ID चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, पार्टनर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आप कॉल करके एक बार समझ करके ले सकते हैं। और आपको जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर और पार्टनर सुपर का कमीशन एक्सट्रैक्ट